साउथ कोरियन टेक के स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी के तमाम दावे, लेकिन फोन सिर्फ 55 सेकंड में हैक हो गया। अगर आप 55 सेकंड पढ़कर चौंक रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए इन 55 सेकंड का पूरा वाक्या बताता हूं। नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। एक मिनट से भी कम समय के अंदर हैकर्स सैमसंग के स्मार्टफोन में जबरन घुसने में सफल हुए हैं। बता दें, यह मामला एक बार हुआ हो तो सही, ये मामला एक दिन में दो दो बार हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल ही इन्हीं हैकर्स ने कंपनी के एक और सैमसंग गैलेक्सी S21 की सिक्योरिटी को 48 घंटे में दो बार चूर चूर कर दिया था। खबर पढ़कर आपको चिंता होगी, लेकिन आपको थोड़ा खुश होना चाहिए। दरअसल ये सब हुआ PWN2OWN के एक इवेंट में। टोरंटो में सालाना होने वाले इस इवेंट में दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट और हैकर्स हिस्सा लेते हैं। ये हैकर्स फर्जी वाले नहीं बल्कि असली हैकर्स हैं। तकनीक की जुबान में इनको एथिकल हैकर कहते हैं। यहाँ पर ये एक्सपर्ट टेक कंपनियों के सिस्टम और डिवाइस में खामियां का पता लगाते हैं। इन्हीं हैकर्स की दो टीमों ने सैमसंग गैलेक्सी S22 को 55 सेकंड में हैक कर दिया और ये सब हुआ जीरो डे वाले दिन। जीरो डे मतलब टेक की दुनिया में वो दिन, वो समय जब टेक कंपनियों को अपने सिस्टम में आई खामी का पता ही नहीं चलता और हैकर्स आसानी से सेधमारी कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S22 के साथ भी ऐसा ही हुआ। सबसे पहले स्टार लैब नाम की टीम ने स्मार्टफोन का हैक किया और उसके बाद चिम टीम भी ऐसा करने में सफल हुई। जाहिर सी बात यह है कि अब इवेंट है तो प्राइज भी होगा। स्टार लैब को मिले $50,000, बोले तो 4 लाख रुपए, और चिम टीम के हिस्से में आए 2 लाख। गौर करने वाली बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी S22 एंड्रॉयड के सबसे लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 13 पर चल रहा था और इसमें सिक्योरिटी के तमाम पैच भी इंस्टॉल थे। हालांकि अभी तक टेक दिग्गज की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन जैसे हमने कहा, आपके लिए एक खुशी की बात है क्योंकि अब कंपनी इन खामियों को वक्त रहते ही दूर कर देगी और बहुत जल्द ही आप सभी के फोन अब सिक्योरिटी के मामले में सेफ रहेंगे। नमस्कार।